हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई एम ससिरा सिंह। 150 में मेरे पास ऐसे ऐसे ऑप्शंस बैक टू बैक आ रहे हैं। जैसे आपको पता है कि 150 की जो डेवलपमेंट है उसमें 4 से 5 प्रॉपर्टी ऐसी है जिसका पोजीशन 2022 में होने वाला है। दो अब आज के डेट में क्या है कि जो मोस्ट ऑफ द जो कस्टमर्स हैं जिनकी क्वेरीज आ रही है, उनके मोस्टली ऐसे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि या तो क्लोज टू पोजीशन की कोई प्रॉपर्टी मिल जाए या फिर रेडी टू मूविंग टाइप की प्रॉपर्टी मिल जाए। तो दो प्रॉपर्टी रेडी टू मूविंग है, ATS प्रेस्टीज एंड एस गोल्ड शायर, उसमें भी मेरे पास रीसेल के आपको ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट, जो अगर आप न्यू प्रॉपर्टी न्यू कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे जिसका पोजीशन 2022 वगैरह में होना हो, तो आई हैव 4 to 5 प्रॉपर्टी जिसका पोजीशन 2022 में होगा। नाम आपको बताया था ताकि आपका आइडिया भी लग जाए कौन कौन सी प्रॉपर्टी 2022 में हैंड ओवर हो रही है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ATS प्रेस्टीज फेज 2, सेकेंड वन इज़ महागुन मिडोज। ये दोनों ए ब्लॉक की प्रॉपर्टी है। बी ब्लॉक की प्रॉपर्टी में टोटल 3 प्रॉपर्टी आती हैं, एस पार्कवे, समृद्धि लग्जूरिया एंड ATS का ली ग्रैंडियोज। इन सारे ही 5 प्रॉपर्टी में अगर एक नॉर्मल में कॉस्टिंग की बात करूँ तो 2+ स्टडी से रेंज आपका स्टार्ट होता है। 2 BHK 2+ स्टडी, 3 BHK के 4 से 5 साइज मिल जाते हैं, देन आपका 4 BHK एंड पेंट हाउस के कॉन्सेप्ट आते हैं। तो इस पूरे ही 150 की बेल्ट में चूँकि कॉस्टिंग धीरे धीरे हाई होता जा रहा है, मुझे लगता है कि अगर आपको रीसेल में क्लोज टू पोजीशन की प्रॉपर्टी भी अगर आपको लेनी हो तो ऐसे कस्टमर्स जो पेमेंट्स टाइम से नहीं कर पा रहे डेवलपर को, या डेवलपर ने डिमांड भेज रखी है उनके पास फंड्स नहीं है, तो कुछ ऐसे भी यूनिट्स मेरे पास है जो आपको मार्केट रेट से कह सकते हैं या फिर डेवलपर के रेट से 5 to 10% सस्ती मिल सकती है। तो इससे बेनिफिट क्या है कि अगर आपको क्लोज टू पोजीशन की प्रॉपर्टी लेनी हो तो ऐसे ऑप्शंस को आप जरूर पिक कर सकते हैं। बट इसके लिए आपके पास फंड्स होने चाहिए, क्योंकि आपको वो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का टाइम नहीं मिलेगा फॉर द इंटायर पेमेंट। दूसरा, इस पूरे ही बेल्ट में 2 प्रॉपर्टी आपके माईवन आती है, समृद्धि लग्जूरिया एंड एस पार्कवे। अगर आप माईवन कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो ये दोनों ऑप्शन आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ब्रिक्स वाली कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, फ्लाइस ब्रिक्स वाली, तो ATS ली ग्रैंडियोज, प्रेस्टीन फेज 2 एंड महागुन मीरो, ये तीनों ही ऑप्शन आपके फ्लाइस ब्रिक्स में आते हैं। तो बाकी कस्टमर की चॉइस होती है, किसी को थीम पसंद आता है, किसी को डेवलपर पसंद आता है, किसी को टैग पसंद आता है, वो उसके अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन लेना हो वो अपना ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी ऑनगोइंग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, जैसे आपका गोदरेज का पाम रिट्रीट हो गया, गोदरेज नेस्ट नर्चर, ATS पायर्स, एल्डिको, टाटा, इसके बाद बीच वाली बेल्ट की बात करूँ तो आपका अंतरिक्ष हो गया, ATS का ली ग्रैंडियोज फेज 2, किंगसन इज, तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मेरे पास है जो आपकी रीसेल में भी यूनिट्स अवेलेबल हैं। तो ऐसे भी ऑप्शंस को आप पिक कर सकते हैं। इसका पोजीशन 1.5 साल 1.5 साल 2 साल बाद होगा, लेकिन रीसेल में फिर भी वो 5 से 10% मार्केट रेट से सस्ती यूनिट्स आपको वो मिल जाएगी। तो बेसिकली मेरा ऑलरेडी 6 साल का एक्सपीरियंस है पूरे सेक्टर में डील करने का। तो मैं रीसेल से लेके परचेस से लेके हर प्रॉपर्टी को एक प्लेटफॉर्म पर रख रहा हूँ, ताकि चाहे बायर मेरे पास है चाहे वो सेलर मेरे पास आए, मैं उसकी यूनिट्स को एज सून एज पॉसिबल सेल करवा सकूँ और बायर को उनकी पसंद की उनके प्रेफर्ड यूनिट उनके रेट्स के अकॉर्डिंग उनको दिला सकूँ। दूसरा, 150 की कोई भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो, चाहे आप रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, 3 साल 5 साल टाइम वाले, क्लोज टू पोजीशन वाले, कमर्शियल आप देख रहे हो मॉल के अंदर, हाई स्ट्रीट शॉप, सोसाइटी शॉप, तो हर ऑप्शंस मेरे पास इस सेक्टर्स के अवेलेबल है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बेस्ट से बेस्ट जो भी एक बेटर गाइडेंस होती है, डेवलपर का सिलेक्शन होता है, यूनिट का सिलेक्शन होता है, जहाँ पर आप मैक्सिमम प्रीमियम निकाल सकते हो, वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।